सुश्री प्रशांति सिंह। प्रशांति जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के चहेते सांसद, इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेलकूद में ही व्यस्त हैं? खेलकूद में व्यस्त हम लोग दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं, सुबह तक भी हम लोग खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारी ग्राउंड पे जरूर होती है, आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांति जी, आप तो बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, कई बड़े अवार्ड जीत करके आपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली है सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है, चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है। पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो इट इज़ वो बहुत एम्बेरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, आपके बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी जरा पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आफत को हमें अवसर में पलटना चाहिए। काशीवासियों ने आफत के समय को एक अवसर में पलटा और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन, ये सब बना दिया। और मुझे विश्वास है कि इसके कारण खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा, और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है, और एक ऐसा हम लोग एक ऐसी हम लोग की सोच है और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारे देश में आपकी एक बड़ी मतलब एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, तो एक बनारस में भी ज़रूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रहे भाई। तो हमारे पास भी एक खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरी अब से एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया लेकिन अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स की आवश्यकताएं सरकारी बाबू बैठकर के कोई योजना करे उससे ज़्यादा जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं उससे जो चीज़ें बनती है वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं, और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।